हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औषधि या जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसको मात्र मुंह में रखकर चूसने से ही 75 तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुणकारी मुलैठी के बारे में। मुलैठी बहुत गुणकारी औषधि है। मुलैठी के प्रयोग से न सिर्फ आमाशय के विकार बल्कि गैस्ट्रिक अल्सर के लिए फ़ायदेमंद है। इसका पौधा 1 से 6 फुट तक होता है। यह मीठा होता है, इसलिए इसे GST मधु भी कहा जाता है। असली मुलैठी अंदर से पीली, रेशेदार और हल्की गंध वाली होती है। यह सूखने पर अम्ल जैसे स्वाद की हो जाती है। मुलैठी की जड़ को उखाड़ने के बाद 2 वर्ष तक उसमें औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। ग्लिसराइजिक एसिड होने के कारण इसका स्वाद साधारण शक्कर से 50 गुना अधिक मीठा होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मुलैठी के गुणों के बारे में विस्तार से। यह ठंडी प्रकृति की होती है और पित्त का शमन करती है। मुलैठी को काली मिर्च के साथ खाने से कफ ढीला होकर या पतला होकर निकल जाता है। सूखी खांसी आने पर मुलैठी खाने से फायदा होता है। इससे खांसी तथा गले की सूजन ठीक हो जाती है। अगर मुंह सूख रहा हो तो मुलैठी बहुत फायदा करती है। इसमें पानी की मात्रा 50% तक होती है। मुंह सूखने पर बार बार इसे चूसें, इससे प्यास शांत हो जाती है। गले में खराश के लिए मुलैठी का प्रयोग किया जाता है। मुलैठी अच्छे स्वर के लिए भी प्रयोग की जाती है। स्वर को या आवाज़ को सुरीला बनाने के लिए भी मुलैठी का सेवन किया जाता है। मुलैठी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। मुलैठी का 1 ग्राम चूर्ण नियमित सेवन करने से वे अपनी सुंदरता को लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं। लगभग 1 महीने तक आधा चम्मच मुलैठी का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ खाने से मासिक संबंधी सभी रोग दूर हो जाते हैं। फोड़े होने पर मुलैठी का लेप लगाने से जल्दी ठीक हो जाते हैं। रोज 6 ग्राम मुलैठी चूर्ण 30 मिलीलीटर दूध के साथ पीने से शरीर में ताकत आती है। लगभग 4 ग्राम मुलैठी का चूर्ण घी या शहद के साथ लेने से हृदय रोगों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके 0.5 ग्राम रोजाना सेवन से खून में वृद्धि होती है और एनीमिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जल जाने पर मुलैठी और चंदन के लेप से शीतलता मिलती है। इसके चूर्ण को मुंह में छालों पर लगाने से बहुत तेजी से आराम मिलता है। मुलैठी का टुकड़ा मुंह में रखने से कान का दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। उल्टी होने पर मुलैठी का टुकड़ा मुंह में रखने पर लाभ होता है। मुलैठी की जड़ पेट के घावों को समाप्त करती है। इससे पेट के घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। पेट के घाव होने पर मुलैठी की जड़ का चूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। मुलैठी पेट के अल्सर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे न केवल गैस्ट्रिक अल्सर बल्कि छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ड्यूओडेनल अल्सर में भी पूरी तरह से फायदा करती है। जब मुलैठी का चूर्ण ड्यूओडेनल अल्सर के पाचन, हाइपर एसिडिटी आदि पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है, साथ ही अल्सर के घावों को भी तेजी से भर देती है। खून की उल्टियां होने पर दूध के साथ मुलैठी का चूर्ण लेने से फायदा होता है। खूनी उल्टी होने पर शहद के साथ भी लिया जा सकता है। दोस्तों, हिचकी आने पर मुलैठी के चूर्ण को शहद में मिलाकर नाक में टपकाने और 5 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ खिला देने से बहुत तेजी से लाभ होता है। मुलैठी आंतों की TB के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक भी है। इसमें बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। यह शरीर के अंदरूनी चोट में भी लाभदायक होती है। मुलैठी के चूर्ण से आंखों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके लिए सुबह 3 या 4 ग्राम मुलैठी खाना चाहिए।
यदि भूख ना लगती हो तो एक छोटा टुकड़ा मुलैठी कुछ देर चूसें। दिन में 3-4 बार इस प्रक्रिया को दोहरा लें, भूख बहुत तेज लगने लगेगी। कोई भी समस्या न हो तो भी कभी कभी मुलैठी का सेवन कर लेना चाहिए। आंतों के अल्सर, आंतों के कैंसर का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है और पाचन क्रिया भी एकदम ठीक रहती है। दोस्तों, मुलैठी को खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मुलैठी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लें और उसको चूसते रहें और अंत में उसे धीरे धीरे खा जाएं। आप इसे पूरे दिन में 3 से 4 बार, 5 बार या 6 बार आप ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है और फ़ायदे बेशुमार हैं, जैसे अभी हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये टिप्स, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्जों और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।